हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गरीबी और विकासात्मक विषय, जो कि जर्नल स्टडीज पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 चल रहा था, उसका आज हम पार्ट 5 करेंगे और ये लास्ट पार्ट है इसका। आज ये पार्ट फिनिश हो जाएगा और पार्ट फिनिश होने के जब आप वीडियो अपलोड होगी उसकी कुछ देर बाद मैं आपको इस पूरे की PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके परेशान मत होइएगा कि PDF नहीं मिली है। कुछ टाइम PDF अपलोड करने में लगता है, तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो अपलोड होने के आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हम लोग इसका करेंगे लास्ट पार्ट, जिसमें हमारा रह गया था सरकारी योजनाएं। जो व्यूवर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले के 4 पार्ट ज़रूर देखें, उसमें गरीबी से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने करवाए हैं। इस पार्ट में भी मैं रिवीजन करवाऊंगी, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें बताई हैं वो इसमें नहीं बताई जाएंगी दोबारा से। तो एक बार वो चीज़ आप ज़रूर देख लें। और प्लेलिस्ट में भी मैंने ये सारी वीडियोस दी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है। और इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको हमारे सक्सेस मंच पेज पर मिलेगी। आप उस पेज पर लाइक करके उस PDF को पा सकते हैं। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज लास्ट टॉपिक करते हैं, इसके बाद इसके आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे जल्द ही। हमने ये टॉपिक डिवाइड किए थे परिभाषा, कारण, भारत के संदर्भ में गरीबी, प्रकार, प्रभाव, गरीबी की माप, सुझाव। हम कर रहे थे सरकारी योजनाएं। सरकारी योजना में कुछ सरकारी योजना हम कर चुके थे और कुछ आज करनी रह गई थी आज के लिए, तो आज हम वो योजनाएं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अर्थ और परिभाषा देखी थी, उसके बाद हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे इसके बाद इसके कारण देखे थे। काफ़ी ज़्यादा कारण थे भारत के संदर्भ में गरीबी के, सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे। इसके बाद हमने देखे थे कि गरीबी, भारत के संदर्भ में गरीबी का क्या आंकड़े हैं, आंकड़े हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने देखे थे गरीबी के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रभावों के बारे में जाना था, ये कुछ डेटा हमने देखे थे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। मैंने आपको जब करा रही थी वीडियोस तो आपको काफ़ी कुछ समझाया था, तो आप उस समय वीडियोस जाके ये सब देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस में ये सब डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। हमने सुझाव देखे थे इसके। अब ये सरकारी योजनाएं हम कर रहे थे, तो इसमें हमारी अंत्योदय अन्न योजना हो चुकी थी, अन्नपूर्णा योजना हो चुकी थी, मिड डे मील योजना हो चुकी थी, और इसमें से और हमारी भारत निर्माण योजना हो चुकी थी। तो अब हमारी ये 3 योजनाएं रह रही हैं। ये तो 7 योजनाएं जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये जो मेन योजना गरीबी के संदर्भ में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो गरीबी को ही ध्यान में रखकर चल रही हैं। गरीब है भारत, इसीलिए उनको, गरीब लोगों को ध्यान में रखकर जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उसमें से कुछ योजनाएं मैंने दी हैं। और भी योजनाएं हो सकती हैं, तो उसका नाम भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने नोट्स के लिए आपको योजनाएं बताई हैं। तो ये हमने देखा था भारत निर्माण योजना, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में जाना था। इसके बाद हमने देखा था अन्नपूर्णा योजना, जिसको राष्ट्रीय वृद्धावंशन पेंशन योजना भी कहा जाता है। फिर हमने देखा था मिड डे मील योजना के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है ये, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता भी होगा। और आज मैं थोड़ा सा, इसका नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, आज मैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ। इसके अंदर मनरेगा योजना भी हम डाल सकते हैं, आप लोग इसको भी डाल सकते हैं, वो भी लेटेस्ट योजना है। तो आप लोग उसको अपने, जब भी आप नोट्स बनाएंगे इसके, तो आप उसको भी इस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। मैंने उस योजना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अभी बहुत सारी है, जैसे कि हम बेरोजगारी का टॉपिक करेंगे तो उसमें उस योजना को कर लूँगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ रिपीट हो, तो आप उसको अपने नोट्स में मनरेगा योजना के बारे में भी डाल सकते हैं इस वाले गरीबी के पॉइंट में। तो चलिए हम करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1999 को ये प्रारंभ हुआ था,
और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पुनर्गठित मतलब कि दोबारा इसको ये नाम दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण जो गरीब हैं उनके लिए ये अकेली योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत कम से कम 50% अनुसूचित जाति जनजाति, 40% महिलाओं और 3% विकलांगों को इस योजना का लक्ष्य बनाया गया है। मतलब कि जो भी योजना के बेनिफिट होंगे वो इन लोगों को इतने इतने परसेंट लोगों को ज़रूर होंगे। इसके अलावा और लोगों को भी इसको टारगेट किया गया है इस योजना को लेकर। केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो 75:25 का है। मतलब 75% केंद्र सरकार खर्च करेगी और राज्य सरकार 25% इसमें खर्च करेगी। ये योजना दो मुख्य घटकों पे काम करेगी। एक होगा गतिविधि क्लस्टर, दूसरा होगा समूह क्लस्टर। अब ये दोनों क्लस्टर समूह दृष्टिकोण, अब ये दोनों होते क्या है मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसा कि गतिविधि क्लस्टर में कहा गया है, प्रत्येक विकास खंड में 4 या 5 मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा इसमें कराने का प्रावधान होगा, जो कि स्थानीय संस्थानों, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनुरूप हो, ताकि जो लोग हैं स्वरोजगार के लिए और विनियोग से लाभकारी अपनी आय प्राप्त कर सकें। और ऐसी मुख्य गतिविधियों का एक क्लस्टर के रूप में इसको, मतलब एक क्लस्टर के रूप में इन गतिविधियों को समन्वित किया जाएगा, जिससे कि पहले जो एक्टिविटी की गई है और जो आने वाली एक्टिविटी है दोनों के बीच में उचित समन्वय किया जा सके। इसके लिए ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है समूह दृष्टिकोण। इसमें होगा कि इस घटक का जो संबंध है वो गरीबों को संगठित करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका निर्माण करना होगा। और ये जो स्वयं सहायता समूह होंगे ये बीपीएल के परिवारों से संबंधित 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनमें से होंगे ये। तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसमें एक बाउंडेशन भी दी गई है। लघु सिंचाई योजनाओं, दुर्गम क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में ये संख्या जो बताई गई है वो 5 से 20 तक हो सकती है। और इसमें महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें महिलाओं को वरीयता दी गई है, लेडीज़ को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो इसके बारे में ये मेन अप्रोच थी इसकी, दो, एक तो थी गतिविधि क्लस्टर और दूसरा है समूह क्लस्टर। अब मैं बता दूं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना एक ऋण या सब्सिडी योजना है, मतलब कि इसमें ऋण दिया जाता है। और ये सब्सिडी या ऋण जो होता है ये योजना लागत के 30% की दर पर होगा, किंतु इसकी अधिकतम जो सीमा तय की गई है वो 7,500 रुपये तय की गई है। और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीमा 50% या 10,000 रुपये तय की गई है। मतलब कि लागत का जो नॉर्मल जनरल पर्सन है उसको 30% मिलेगा और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको लागत का 50% मिलेगा, ऋण मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। इसी तरह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं स्वयं सहायता समूह, इसमें परियोजना लागत की 50% है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा जो तय की गई है वो 1,50,000 रुपये निश्चित की गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई सब्सिडी की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है इसके अंतर्गत, सब्सिडी की इसमें लिमिटेशन नहीं दी गई है सिंचाई योजनाओं के लिए। और इस योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि जो दी जाती है वो कम से कम तीसरे वर्ष में स्वरोजगारी की 2,000 रुपये प्रति माह से कम की आमदनी नहीं होनी चाहिए इस योजना के अंतर्गत। अब जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जब इसे पुनर्गठित किया गया तो इसका उद्देश्य था निर्धनता का निवारण करना, मतलब मेन इसका लक्ष्य यही था, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह के निर्माण पर इसमें बल दिया गया। और इसमें जो पर्याप्त पूंजी सहायता के साथ साथ बैंक से 1,00,000 रुपये तक ऋण लेने वाले परिवारों को ब्याज सब्सिडी भी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी।
ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है लेडीज ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है और 2012 के अंत तक इसमें 74 लाख स्वयं सहायता समूह का इस योजना के अंतर्गत गठन हो चुका है और काफ़ी लोगों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस योजना के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। इस योजना में पहले से जो कुछ योजनाएं चल रही थी, मेनली 6 योजनाएं जो पहले से चल रही थी, उन योजनाओं को आपस में समन्वित करके इस योजना को बनाया गया था। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, इन 6 योजनाओं को, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 योजना टोटल है, इनको आपस में जोड़ा गया और फिर उस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको बनाया गया। तो ये योजना है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत हजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, और औजारों होगा, यहाँ हजारों की जगह यहाँ औजारों आएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, और 10 लाख कुआं योजना और गंगा कल्याण योजना, ये 6 योजनाएं हैं, इन्हें 6 योजनाओं को मिलाकर ये योजना बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब इसमें जो आप लोगों ने आशा का नाम तो सुना ही होगा, तो आशा की फुल फॉर्म होती है, कई बार UPSC के पेपर में आ चुका है, आई थिंक 2013 में आया था ये पेपर कि आशा की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका नाम फुल फॉर्म ये होती है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि हर गांव में कुछ महिलाओं को स्वास्थ्य परिचारिका का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ये सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं, इनको सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा औपचारिक मान्यता भी दी जाती है, जिन्हें बाद में सरकार से प्रतिमाह भत्ता भी मिलता है इसको, ताकि वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उचित परामर्श दे सके। और इन इन जो मैं बता रही हूँ परिचारिकों को ही आशा कहा जाता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और इसको अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, जिसमें नाम है सखी और स्वास्थ्य सखी, 2 नाम इसके और भी हैं, सखी और स्वास्थ्य सखी, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या, लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पे 1 आशा कार्यकर्ता कार्य करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का पुनरुत्थान किया गया है और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय होती हैं ये स्वास्थ्य सेवाएं, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये टोटल आएगा यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया इस समय बहुत तेजी से चल रही है, निजी स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा लगाई गई है इस समय, मतलब कि निजी क्षेत्रों के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में बहुत तेजी से लोगों को भर्ती की जा रही है, जिससे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे इंडिया में काफ़ी अधिक सुधार आया है और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो इस ये 3 लेवल आप ग्राफ की तरह याद कर सकते हैं, ऐसे ही इसे एग्जाम में एज इट इज़ ग्राफ बना के, या फिर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको 3 लाइनें यहाँ पर ऐसे खींच के एक में ऊपर लिखिए जिला अस्पताल, क्योंकि आपको पता है पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीचे आएगा, उसके ऊपर होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सबसे ऊपर होगा जिला अस्पताल। तो ये 3 स्तर में बटा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में। इस योजना की जो शुरुआती वर्ष था वो था 2000 से 2001 के बीच में, मतलब कि 2000-2001 के दौरान इसकी जो आरंभ किया गया था, इसको देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी में इसको आयोजित किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये 6 मुख्य घटकों के क्षेत्रों में किए जा रहे जो भी प्रयास है सरकार के या फिर निजी क्षेत्रों के, उनमें गंभीरता लाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब 6 मुख्य घटक, ये नॉर्मल घटक हैं जो
हर एक योजनाओं में इनको लिया जाता है, जैसे कि भारत निर्माण योजना हो गई, उसमें भी इन्हीं घटकों पे फोकस किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें और विद्युत, इन छह मुख्य घटकों को, इनमें सुधार लाने के लिए इस योजना को बनाया गया था। और ये जो सुधार है ये सब तक पहुँचे, गांव के प्रत्येक घर तक पहुँचे, इसीलिए इस योजना को बनाया गया था। इसके अंतर्गत तो बहुत सारी योजनाओं, इसके तहत मतलब कि जब ये शुरू हुई गई तो इसके बाद इसके अंडर बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी। मैं कुछ का नाम ले लेती हूँ उसमें, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके अंतर्गत शुरू की गई थी, इसी तरह ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम इसके अंदर शुरू किया गया था, समग्र आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये आप लोग जानते होंगे, ये 2009-10 में शुरू की गई, इस योजना को शुरू किया गया था। इस जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसमें देश के 44,000 गांव जहां की 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, इसमें समेकित विकास के लिए प्रतियोगिता के आधार पर 2009-10 में 100 करोड़ रुपए के आवंटन से 1,000 गांव में प्रारंभ की गई थी ये योजना। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबी के क्षेत्र में शुरू की गई हैं, आप लोग गूगल करेंगे तो इतनी योजनाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी योजनाएं जब से गरीबी को प्रकाश में लाया गया है तो उसके बाद से बहुत योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, बहुत अच्छी पहल की गई है सरकार द्वारा। ये थोड़ा सा मैं आंकड़े आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, ये लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी सुरेश तेंदुलकर समिति जो बनाई गई थी उसके अनुशंसा के आधार पर 2011-12 के लेटेस्ट जो यहाँ पे आके आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हो, बस इसलिए मैंने ये टोटल दिया हुआ यहाँ पे। जैसे कि 93-94 में रूरल और अर्बन एरिया का जो पावर्टी एस्टिमेट्स दिया गया है, इसी तरह टोटल 45.3, इस 2004-05 में 37.2, 2009-10 में 29.8 और 2011-12 में 21.9। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो गरीबी बहुत हद तक कम हो रही है, लेकिन ये तो आंकड़े वैसे दिए, इसी हिसाब से हमारी आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आंकड़े बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आंकड़े 2011-12 के बताए हैं ये सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुशंसा पे बताए हैं, और इसमें रूरल जो एरियाज में है ये परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है, परसेंटेज 25.7% और अर्बन एरियाज में 13.7% दिया हुआ है, टोटल है 21.9%। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे पहले भी मैंने सुरेश तेंदुलकर समिति और भी जो जो समितियाँ थोड़ी बहुत बनी थी इसके लिए उसके बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियोस जाके भी इसको देख सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, गरीबी के बारे में जितने भी टॉपिक थे यहाँ मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, एनालिटिक क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या सुझाव देंगे, सरकार ने क्या दिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जितने मैंने टॉपिक बताए इन्हीं में से घुमा फिरा के बस आंसर लिखना है कि उन्होंने पूछा क्या है और हमें देना क्या है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। हाँ, आप करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें आ रही हैं आजकल, जैसे कि पावर्टी इंडेक्स में गरीबी के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग दी हुई है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, फर्स्ट नंबर पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये सब चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो अभी आप इस पे करंट से रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कीजिए ताकि पता तो चले मेरी कहाँ गलती हो रही है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you, thanks for watching.